10 किलो आटा, 2 किलो तुअर की दाल। अनु देवी, दाल चावल आटा दालें वाले एवरीथिंग इज ओवर, किचन इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो क्या करूं, लोगों के घर से राशन चुराना शुरू कर दूं? नहीं, तुम्हें सूट नहीं करेगा यार, तुम राशन को चुराओगे। लेकिन अब घर के खर्चे मैनेज करने के लिए तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कसम खा ली है कुछ ना करने की। एक जगह बात चल रही है, ठीक है, पाइपलाइन हो जाएगा, मैं चलूंगा। यही तो मैं 2-3 सालों से सुन रही हूँ, जॉब लगने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है, थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। तुम्हारा पाइपलाइन हमेशा चोक रहेगा। नतीजा, धाक के 3 पात। अब यार जॉब नहीं लग रहा था, मेरी क्या गलती है इसमें यार, मेरा क्या कसूर है बताओ मुझे? तुम्हारा ही कसूर है, इट्स योर फॉल्ट। यार मुझे बता मेरा कैसा कसूर है? कोई भी जॉब मेरे लायक होती नहीं है यार, आई फील आई एम टू गुड फॉर एनी जॉब यार, आई मीन आई कांट हेल्प इट। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा वक्त खुद बनाता है। सच बात तो यह है कि जब इंसान आलसी हो जाता है ना, तो उसे काम नहीं करने के 100 बहाने मिल जाते हैं। Excuse me? आप मुझे आलसी बुला रही हैं? जी, मैं आपको आलसी बुला रही हूँ। सुबह से रात तक इस घर में जो भी एक्टिविटी होती है ना, मैं करता हूँ। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, आपकी खिदमत करना, आपके लिए चाय कॉफी बनाना, आपके सामने नाश्ता पेश करना। क्यों 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 करते हो ये सब? मैं तो तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि ये सारे काम तुम्हें सूट नहीं करते। सूट तो नहीं करते यार। तो फिर क्यों एक कान से मेरी बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो विभू? कोई जॉब क्यों नहीं करते? मैं कब तक अकेली इस घर के खर्चे उठाती रहूंगी? ऊपर से ये महंगाई मुंह खोलकर अजगर की तरह सर पे खड़ी। यार ये तो पूरे देश की प्रॉब्लम है यार, तुम इसे अपनी प्रॉब्लम क्यों बना रही हो? प्लीज देश की बात मत करो, देश की बात मत करो, अपनी बात करो। देखो विपू, अगर तुम जॉब नहीं कर सकते हो तो बोल दो ना सीधे सीधे कि मुझे जॉब नहीं करनी, फिर मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। अरे कुछ ज्यादा बोल गई यार, पर यार जब मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मेरी गलती नहीं है इसमें यार, मेरा क्या कसूर है? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। क्या खा रही है? अब देखो आधे पैसे इसमें खर्च कर देती है इतनी एग्जॉटिक खाने में, कितने बढ़िया फर्स्ट क्लास। अबे टिल्लू के बच्चे, तू किस मिट्टी का बना है बे? तूने तो छिछोरपंती की सारी हदें पार कर दी। देख तू सुधर जा, नहीं तो इस बार तू सिर्फ 3 दिन हवालात में रहा है, अगर ये हालात रहे तो 3 महीने तक हवालात में रहेगा और हमें भी फंसवाएगा। फोन रख। हटे वाले टुके भैया, किसे फेयर कर रहे थे? अरे वो फायर होता है पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। और किसे डांट रहे थे? अरे वो टिल्लू का बकत। का किया टिल्लू भैया ने? उसने एक लड़की को चॉकलेट ऑफर कर दी। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 3 दिन हवालात में रह के आए हैं। हाँ भैया, तो क्या लड़की ने शिकायत कर दी क्या कि टिल्लू भैया उसको छेड़े? शिकायत नहीं की, बल्कि चॉकलेट खाकर बीमार हो गई। फिर तफ्तीश करने पर पता चला कि चॉकलेट जो थे आउटडेटेड थी, मतलब बासी थी। हाँ भैया, टिल्लू भैया को भी कहा पड़ा था, क्या हुआ? बैठो ना पगली, तनिक पास आओ, हम भी तो तुम्हें लेमन जूस खिलाए थे ना पगली। अच्छा बताओ, हमारे दिए हुए लेमन जूस तुमको कैसे लगे थे? हम ना ही बताएंगे। बताओ ना मंगली, बताओ। नहीं तो वैसे खट्टे थोड़े। तिवारी जी, आप लोगों का हो गया या टाइम लगेगा? नहीं भाभी जी, कहिए ना। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं अनीता जी, कुछ चाहे का?
क्या बताऊं अंगूरी जी, चाहिए तो बहुत कुछ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। हमें बताइए भाभी जी, हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाते हैं। तिवारी जी, आप क्यों मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे? जिसे लाना चाहिए वो तो कुछ कर नहीं रहा है। अरे वो तो घुइयां भी नहीं ला पाएंगे। क्या बात है, भरभूति जी से झगड़ा हुआ का? अरे अंगूरी जी, ये झगड़ा नहीं है, ये मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरे सपने हैं जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। पिछले 2 सालों से विभु मक्खियां मार रहा है। ओ, मक्खियां काहे मार रहा है? अंगूरी जी, काम नहीं करेगा तो मक्खियां ही मारेगा ना। पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ मैं अपने कंधे पे उठा के घूम रही हूं, और वो है, उसके कान में तो जू तक नहीं रेंगती। और आपको तो पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक अकेली की कमाई से कहां सारे खर्चे पूरे हो पाते हैं। भाभी जी, आप कहें तो हम आपकी कुछ। प्लीज तिवारी जी, मैं आपसे हेल्प लेने नहीं आई हूं, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने आई हूं कि मैं तो विभू को समझा समझा के थक गई, अगर आप उसे समझा सकें तो प्लीज समझाइए, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी तो काटनी है। मुझे तो डर है कि कहीं मजबूरी में मैं कोई ऐसा। एनीवे, ओ भरभूति जी, कुछ काम काहे नहीं करते हैं आप? जरा प्यार से समझाइए ना उनको, वरना लग रहा अनिता जी उनको छोड़ देगी। अच्छा है छोड़ दे। क्या बोले? कुछ नहीं पगली। हेलो, हाँ, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, वेट करो। ऐसी नजरों से हमें काय देख रही हो पगली? आज हम आपसे बहुत खुश हैं। खुश तो तुम हमसे हमेशा ही रहती हो पगली। आज आप हमको कम लूट मैन लग रहे हैं। कम लूट मैन? अरे वो कंप्लीट मैन होता है पगली। सही पकड़े हैं, वही मैन लग रहे हैं। तुम भी हमें एकदम काम लूट लेडी लग रही हो, मतलब कंप्लीट लेडी लग रही हो। लेकिन आप हमरी मंदिर हैं, हमरी पूजा है, हमरी देवता है। सही पकड़े हैं। मेरी पूजा,
देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। भाभी जी चैन की नींद सो रही होंगी। ये कार भाभी जी के घर के सामने काहे रुक गई भाई? घर छोड़ो, हमें क्या है। भाभी जी इतने चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहन के कहाँ जा रही हैं? ये भाभी जी इस कार वाले के साथ कहाँ जा रही हैं? अबे ये कहां निकल ली? हमें तो अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? भाभी जी हे भगवान, आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसके साथ बैठकर भाभी जी इतनी रात को अकेली चली गई और पता नहीं कहां चली गई? हो सकता है शायद वो भाभी जी को कोई सहेली हो, क्योंकि हमने तो गाड़ी में बैठे हुए किसी को देखा नहीं। हे भगवान, वो भाभी जी की कोई सहेली ही हो तो अच्छा है। लड्डू के भैया, लीजिए चाय, हमारे कल्प्रिट मैन। वो कल्प्रिट नहीं, कंप्लीट होता है पगली। सही पकड़े हैं। लड्डू के भैया, क्या बात है, रात को आप बहुत करवट बदल रहे थे, आपको नींद ना ही आ रही थी का? हम थोड़ा टेंशन में थे। हदिया, कैसा टेंशन? अरे बिजनेस करते हैं भाई, हजार तरह की टेंशन लगी रहती है। ऐसी कौन सी चीनी की मिले चल रही हैं सेठ जी तुम्हारी? ले दे के एक खो गई है जिसे मैं संभालता हूँ। क्या बकवास कर रहा तू? सच्ची कह रही हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते टिल्लू भैया, कैसे बा? बस आपका आशीर्वाद है भाभी जी। कुछ खाएंगे का? क्यों नहीं भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तो हम हमेशा तरसते हैं। क्यों, घर में खाने को नहीं मिल रहा क्या आजकल? घर में उतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा भाभी जी बनाती हैं। हाँ दिया, तो टिल्लू भैया रोज यही पे आ जाइए ना खाना खाने के लिए। जो हुकुम भाभी जी, आ जाएंगे। जो हुकुम गया घुइया के खेत में, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? बड़ी बहन मानता हूँ भाभी जी को। तो हमें भी तुझे साला बनाने का कोई शौक नहीं है, समझा? वैसे नौकर बन के सर पे चढ़ गया है, अगर साला बन गया तू तो हमारे पैजामे में घुस जाएगा बे। लड्डू के भैया, काहे चिल्ला रहे टिल्लू भैया पर, वो कितने अच्छे हैं। टिल्लू भैया बैठिए, हम अभी आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। हाँ क्यों बे, बहुत मस्त आ रहा है तू आजकल। है
तेरी सारी मस्ती निकाल दूंगा। अरे सेठ जी, मस्ती से याद आया, ये सामने वाली भाभी जी को क्या हो गया? क्या हुआ भाभी जी को? अरे कल रात मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया, वो पप्पू कॉलोनी की तरफ, वो रात ज्यादा पी ली थी ना मैंने, मुर्गी खाई, क्या मजे की थी सेठ जी, सच्ची। देख तू ज्यादा कवाली मत गा, सीधा मुद्दे पे आ। सेठ जी, पप्पू कॉलोनी वाले चौक पे पता हमने क्या देखा? क्या देखा? सामने वाली भाभी जोरदार नाच रही थी एक लौंडे के साथ। हाँ सेठ जी, लेकिन लौंडे का डांस इतना अच्छा ना था, लेकिन भाभी जी टूट टूट के नाच रही थी, मजा आ गया सेठ जी। पता है लौंडे ने फिर नोटों की गड्डी भी दी। भाभी जी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अरे सच्ची ही कह रही हूँ सेठ जी, जो देखा मैंने बता दिया। देखा तूने? झूठ बोल रहा तू, झूठ बोल रहा तू। आपकी कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी। तेरी मेरी झूठी कसम तो तू हमेशा खाता है बे। तो फिर अम्मा की कसम खा लेता हूँ। लड्डू के भैया कहाँ मार रहे टिल्लू भैया को? भाभी जी मैं कह रही हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों मार रहा हूँ सेठ जी? अबे ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 500 रुपए हैं। अच्छा मतलब ब्लैकमेल कर रहा है। ऑफर भी तो तुमने दिया है। लड्डू के भैया का खुसुर पुसुर कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं अंगूरी, कुछ नहीं। कहा निकाल के दिए टिल्लू भैया को? चुप हो जाओ। वो भाभी जी, सेठ जी ना हमें समझा रहे थे। समझ गया, जा रही हूँ भाभी जी। आदिया ना सुनाई करोगे क्या? नहीं भाभी जी, बाद में करेंगे। वो क्या है कि खोके भी जरा जरूरी काम निकल आया है, बाद में। ठीक बा, ठीक बा। सेठ जी टेम से आ रही हो? हाँ चल चल। आ बताइए काहे मार रहे थे आप टिल्लू भैया को? अरे कुछ नहीं, कमबख्त ने गल्ले में से पैसे चुरा लिए। आदिया आप चाय तो पी नहीं। जी में तो आता इस आदमी के पैरों में भारी पत्थर बांधकर गंगा जी में धकेल दे, क्योंकि इस आदमी की वजह से भाभी जी भटकने पर मजबूर हो गई हैं। तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर में थूक क्यों रहे हैं आप? आई एम सॉरी, आपको देखकर थूकने की इच्छा हुई। एक्सक्यूज मी, मुझे देख के आपको थूकने की इच्छा क्यों हुई? खैर छोड़िए और सुनाइए, क्या कर रहे हैं आजकल? गुहियां उखाड़ रहे हैं। उखाड़े हैं आप? आप तो गुहियां भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उसके लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं और आपका तो सिर्फ मुंह चलता है। क्यों, सुबह सुबह भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया क्या? जो सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हैं हमारे घर में आके। हम अपनी बीवी को चू तक करने का मौका नहीं देते, घर से निकालना तो दूर की बात है। और हमें घर से काहे निकालेगी भाई, हम काम धंधा करते हैं। कच्चे बनियान का खोखा है आपका। बड़े आए, काम धंधा करते हैं ऐसे बोले जैसे वो सॉफ्टवेयर के धंधे हैं, बड़ी चीनी की मिले चल रही है इनकी। हाँ ठीक है, हम कच्चे बनियान का जलील धंधा ही करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को खुश रखते हैं, खुश, उन्हें बाहर भटकने के लिए मजबूर नहीं करते। तो किसकी भटक रही है, किसकी भटक गई बीवी, बताइए ना। क्या पता किसकी बीवी कहां किस हाल में भटक रही है। तो फिलोसफिकल मत होइए। क्या बीवी की हाल में अगर मालूम ना हो ना तो चोंच बंद रखा करिए अपनी। बड़ा है। या बेबी, बहुत नींद आ रही है। उठ क्यों गई, सोई रहती? अरे तिवारी जी आप क्यों बे, क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं भाभी जी, दोपहर होने वाली है। दोपहर होने वाली है, क्या टाइम हो गया? इनके मुंह पर तो 12 बज रहे हैं। अनु, ये आदमी सुबह सुबह आके मेरा दिमाग खराब कर रहा है, इनसे कहो कि चले जाए, वरना मैं बदतमीज हो जाऊंगा। बो क्या है, कोई बात नहीं ना, तिवारी जी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो मेरे लिए कॉफी बनाओ ना, देखो आंखें नहीं खुल रही आज मेरी। जाइए भाभी जी के लिए कॉफी बनाकर लाइए।
सारी रात जागी हैं? मैं क्यों जागूंगी सारी रात? नहीं मतलब वो ग्रूमिंग क्लासेस के काम में बिजी रही होंगी ना भाभी जी। तिवारी जी आप कमाल करते हैं, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस रात में थोड़ी ना चलती हैं। अनु ये आदमी नॉनसेंसिकल इडियोटिक बातें करता है, इनको बोलो ये घर जाएं वरना। छोड़ो ना विभू, तुम मेरे लिए प्लीज कॉफी बनाओ ना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अच्छा, हमारे लिए भी बनाकर लाइएगा। जहर डाल देंगे आपकी कॉफी में। और तिवारी जी बताइए, कल रात तो बहुत ठंड थी ना भाभी जी? पता नहीं, नहीं बाहर तो बहुत ठंड थी। मुझे क्या पता तिवारी जी, मैं तो अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सो रही थी, पता नहीं कल कितनी ठंड थी। मतलब कल रात बाहर निकली नहीं आप? अरे मैं क्यों निकलूंगी कल बाहर? नहीं मतलब जैसे कभी कभी हमारा मन करता है ना रात को सैर सपाटा करने का, तो तो आप करिए ना रात में सैर सपाटा। भाई मुझे तो ऐसे कोई शौक नहीं है, मैं तो रात में सैर सपाटा करती नहीं हूँ। तो फिर किस लिए जाती हैं बाहर जी? नहीं मतलब महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए भाभी जी, और खासकर आप जैसी खूबसूरत महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत महिलाएं एक खुले बटुए की तरह होती हैं जिस पर लुच्चों की गुंडों की नजर हमेशा बनी रहती है भाभी जी। लगता हमें चलना चाहिए। बेहतर होगा जी।